हमारे यूनिवर्सिटी है ना बंगाल वाले जितना सभी है ढेला सजी आपको पासपोर्ट ऑफिस बांग्लादेश जाने के लिए कौन सर इमिग्रेशन बस सिग्नेचर करने के बाद कुछ यहाँ पे होगा वहाँ से निकलने के बाद आप वहाँ जाएंगे वहाँ पे आप पासपोर्ट एंट्री होता है इसके अंदर हाँ। वहाँ पे सामान का स्कैनिंग होता है सामान का स्कैनिंग होता है उसके अंदर वहाँ पे एक बंदा और रहेगा वो चेक करेगा फिर वहाँ से निकलेंगे वहाँ पे पासपोर्ट फिर एंट्री होगा हाँ। पहले पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट वाले ये कस्टम वाले करेंगे वहाँ से निकलेगा फिर BSF वाला वहाँ बैठ के करेगा उसके बाद तब आप बांग्लादेश में और बांग्लादेश में वहाँ एंट्री होती है पासपोर्ट कार ले जा सकते हैं ना ऐसा नहीं होगा अमाउंट जमा करने के बाद वो नहीं होगा बाइक कार आज तक तो नहीं गया है नहीं कार नहीं है प्राइवेट कार नहीं है बाइक को नहीं है ना बाइक ओनली साइकिल वगैरह लेके जाते हैं और साइकिल हो सकते हैं बाइक के लिए हो सकता परमिशन दे लो मुझे बाइक नहीं आज सुनिंग बांग्लादेश नहीं वो बाइक जो मैन है बांग्लादेश है तो रेल लाइन बांग्लादेश बॉर्डर हाँ ये जो पेड़ है ना हाँ ये पेड़ इंडिया में है उसके बाद बांग्लादेश से उसकी दुकान है ना कि वो दुकान नहीं है उनका चेक पोस्ट है BDR का वो BDR का चेक पोस्ट है उसके अंदर बांग्लादेश का बैठा हुआ है पुलिस ट्रेन लाइन है कि बांग्लादेश है ना इंडिया बांग्लादेश है ट्रेन लाइन बांग्लादेश का ट्रेन लाइन बांग्लादेश ये जो बंदा तो दिख रहा है ये गास्ता देखते बच्चों का गाछे रोई पास के उधर पूरा बांग्लादेश है पूरा बांग्लादेश ये गास थे के इंडिया उधर भी अपना ट्रेन जाता है हर बुधवार को हाँ सर हर बुधवार को उधर से ट्रेन जाता है अपना मोहित्री एक्सप्रेस कोलकाता है जल्दी बाड़ी से निकलता है मोहित्री एक्सप्रेस यहाँ नहीं तो ना मोहित्री एक्सप्रेस बांग्लादेश है दिख जाए बांग्लादेश ढाका कलकत्ता कलकत्ता ढाका ना ये तो हिली बॉर्डर हिली ऑफ द आशे ना बांग्लादेश तो नहीं बोल जाए निकलता है हल्दीबाड़ी से डायरेक्ट ट्रेन आती है एक राधिकापुर से मालगाड़ी जाती है और हल्दीबाड़ी से ट्रेन आता है अभी राजधानी एक्सप्रेस निकलती है इसके साथ की राधिकापुर लिंक है ना कि ये डायरेक्ट चला जाता है ये हल्दीबाड़ी चला जाएगा इधर से जाकर कहीं से रास्ता कटा গাছের পেছনে দোকানটা বানানো সবাই মিলে যদি সচেতনতার বার্তা নিয়ে নিতে পারি আকাশ্যপাতা পশ্চিমবঙ্গের মাটির পবিত্র মনে এই রকম এক পরিবেশ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক সুন্দর